मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर उमेश मंसूर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जयंत पटेल कॉलेज भंडारा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूली प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, विच इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर बीएससी आईटी एंड बीसीए पार्ट वन। आज हम राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर द्वारा बीएससी सेमेस्टर वन के लिए प्रिस्क्राइब नए सिलेबस की बात करने वाले हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड दोनों पास कर लिए, उत्तीर्ण कर लिए, और जब जिंदगी के वाई पॉइंट पर आप खड़े थे तो आपने बीएससी करने का चुनाव किया। समझ के चलते हैं कि आपने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया होगा, पर डिसीजन लेना और अपने डिसीजन को सही साबित करना, ये दोनों जिम्मेदारियां अब आपके ऊपर है। It is your responsibility now to prove your decision is correct, and to prove yourself correct in future, you need to study your syllabus and prescribed books properly in a proper manner. हमारे syllabus में जो जो prescribed है वो सारी चीजें तरीके से पढ़ना और अपने निर्णय को सही साबित करना, ये दोनों जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। नए सिलेबस में क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना है और कंपल्सरी इंग्लिश लैंग्वेज को कितनी सीरियसली हमें लेना है बीएससी करते समय, ये बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। पर जहां बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे विषयों पर ज्यादा मेहनत लेते हैं, देखा ऐसा गया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हम लाइटली ले लेते हैं। पर इंग्लिश अगर इतना ही आसान होता तो हम 100% मार्क्स ले लेते, हम नहीं लेते, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां हमारे इंग्लिश में रह जाती है। तो हम सिलेबस समझने के साथ साथ आगे आने वाले लेक्चर्स में इंग्लिश को बेहतर तरीके से कैसे समझना और बीएससी के बाकी विषयों के साथ में इंग्लिश की पढ़ाई भी कैसे करना, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेमेस्टर वन सिलेबस फॉर 2020-21 ईयर ऑनवर्ड्स। बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आप कर रहे हैं, पार्ट वन में आपने एग्जामिनेशन में सिलेबस के लिए प्रिपेयर करना है। थ्योरी मार्क्स रहेंगे 60 और इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स का होगा, ऐसे कुल मिला के 75 मार्क्स के लिए आपका असेसमेंट होने वाला है। अब इस 75 मार्क्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी है, उसका टाइटल है एम्पावरिंग माइंड्स और राघव पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसको पब्लिश किया है। इस बुक को खरीदने के बाद में जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तब आपको कंटेंट और अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स पोएम्स वगैरह समझ में आना शुरू हो जाएगा। यूनिट वन की बात करते हैं। यूनिट वन टोटली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोज सेक्शन, डिवोटेड टू द प्रोज सेक्शन, इट इज फॉर 16 मार्क्स। पहला यूनिट रहेगा यूनिट वन प्रोज कहलाता है और इसमें तकरीबन 16 मार्क्स का वेटेज आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कवर होता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है प्रोज सेक्शन में वो भी समझ लीजिए। सिलेबस यूनिवर्सिटी ने बहुत आसान तरीके से बनाया है ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा तकलीफ ना हो। इतने आसानी से बनाए गए सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। पहला एक चैप्टर हमें डिस्कस करना है वहां पर, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, बुकर टी वॉशिंगटन द्वारा लिखा गया चैप्टर है। अमेरिका के इतिहास में जिस व्यक्ति ने अपने आप को इतना ऊंचे लेवल तक, अपने ऊंचे दर्जे तक लेकर गए, उस बुकर टी वॉशिंगटन की शिक्षा के लिए किए गए संघर्ष की कहानी है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। एक निग्रो बालक जिसकी माँ को गुलाम बनाकर बेचा गया, वो बच्चा जिसे पढ़ने की सुविधा नहीं थी किस तरह से एजुकेशन हासिल करता है, और अमेरिका जैसे बहुत बड़े देश में शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन होता है, ऐसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बुकर टी वॉशिंगटन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। एक होता कार्वर, ये किताब भी मराठी में बुकर टी वॉशिंगटन के जीवनी के ऊपर लिखी गई है, तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लीटन स्ट्रेचिक की लिखी एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल दुनिया की सबसे पहली नर्स समझी जाती है। इंग्लैंड के इतिहास में
विक्टोरियन पीरियड में सबसे पहले किसी ने जख्मी सैनिकों की सेवा करने का कार्य शुरू किया। द लैम्प ऑफ द लाइट के नाम से जानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों चैप्टर जो यूनिट वन में प्रिस्क्राइब्ड है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम प्रोज सेक्शन में इन दोनों चैप्टर्स की बात करेंगे। यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। यूनिट सेकंड में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, प्रेरणादायी व्यक्तियों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी 16 मार्क्स के लिए, प्रोज सेक्शन 16 मार्क्स, और सेकंड यूनिट जो है वो भी प्रोज सेक्शन 16 मार्क्स के लिए है। चेहरे दोनों जाने पहचाने हैं आपके लिए। पहला चेहरा तो आप पहचान लेते हैं, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन है। द बर्थ ऑफ खादी बाय महात्मा गांधी, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। भारत की आजादी के गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने किस तरह से प्रयास किया, एक सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति ने कैसे असामान्य कर्तृत्व कर दिखाया, ऐसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, गो किस द वर्ल्ड बाय सुब्रत बागची। ओडिशा से बिलोंग करने वाले सुब्रत बागची माइंड ट्री नामक संस्था के ऑर्गेनाइजर है, संस्थापक भी है और इंडियन एंटरप्रेन्योर भी है। अपने आप को मोटिवेटर स्पीकर के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। सुब्रत बागची अपने बचपन के सारे अनुभवों को, पिता के बारे में बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, माँ के बारे में बताते हैं। तो कैसे एक आम परिवार से आया हुआ एक लड़का सुब्रत बागची के रूप में इंटरनेशनल फिगर बन जाता है, एक प्रेरणादायी कहानियां हम पढ़ने वाले है द बर्थ ऑफ खादी के माध्यम से और गो किस द वर्ल्ड के माध्यम से। तो ये दोनों चैप्टर्स सिलेबस में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पर प्रोज के साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोएट्री सेक्शन। बीएससी के बाकी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस कोई बहुत रोमांटिक सब्जेक्ट तो होते नहीं है कि हम पढ़े उन्हें, पर लैंग्वेज हमें समाज में जीना सिखाती है, ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे वैल्यूज सिखाती है। नौकरी कैसे हासिल करना आप अच्छी तरह से जानेंगे, समझ जाएंगे, पर नौकरी हासिल करते समय मैनर्स, एटिकेट, सोशल एटिकेट, समाज में किस तरह से रहना है, हम भाषा सीखते सीखते इस माध्यम से बहुत सारे वैल्यूज के भी समझने की कोशिश करेंगे। पोएट्री इस फील्ड में आपकी मदद करने वाली है। दुनिया के बेहतरीन तीन पोएट्स को हम पढ़ने वाले हैं। एक है अल्फ्रेड टेनिसन, रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं, और अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी गई बहुत बेहतरीन कविता है यूलिसिस। वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हु वाज यूलिसिस, ओडिसियस कौन था, इथाका से किसने सफर शुरू किया था, और उम्र के आखिरी पड़ाव में भी यूलिसिस क्यों सफर पर जाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। एक बेहतरीन कहानी है, बाइबल से ली गई है। अल्फ्रेड टेनिसन ने अपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस कविता को पेश किया है। हम पोएट्री सेक्शन में 8 अलग अलग मार्क्स के लिए जो 3 कविताएं पढ़ने वाले, पोएम्स पढ़ने वाले हैं, उसमें यूलिसिस सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यूसुफ की दूसरी कहानी जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा लिखी गई, अमेरिकन पोएट है, फिलोसोफर है, और अलग अलग प्रकार की इमेजेस कविताओं में टेनिसन जैसे क्रिएट करने की प्रतिभा उन्हें भी हासिल है। हम जेम्स रसेल लॉवेल की यूसुफ को भी पढ़ने वाले है। तीसरे एक परिचित कवि है रुडयार्ड किपलिंग। आपने द जंगल बुक नामक किताब के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जंगल जंगल पता चला है ये गीत आपने सुना होगा। और इस सीरियल को जो हमने मोगली के सीरियल को हमने टेलीविजन पर देखा, उस द जंगल बुक के रचयिता है रुडयार्ड किपलिंग। और इफ नामक एक कविता हमें पढ़नी है। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म भारत में ही हुआ तो इस लिहाज से वो इंडो अमेरिकन पोएट है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, वर्क्ड इन अमेरिका, तो और एक बेहतरीन व्यक्ति को, और इनका संबंध महाराष्ट्र के भंडारा जिले से भी है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत नजदीक के कवि है। तो रुडयार्ड किपलिंग के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पोएट्री सेक्शन में कुल मिलाकर 8 पॉइंट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द ग्रामेटिकल पोर्शन ऑल्सो। सिलेबस बनाने वालों ने सिलेबस को बैलेंस करने की कोशिश की है। हमने प्रोज सेक्शन में
पर्सनालिटीज के बारे में, पोएम्स के बारे में अलग अलग एंगल से पढ़ना है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर हमारा टारगेट है, वो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएसबी के एग्जाम्स हो, या स्टाफ सिलेक्शन हो, या और किसी प्रकार के एग्जाम हो, ग्रामर एक अहम हिस्सा है। बिना ग्रामर के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आगे नहीं जा सकते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर ये दोनों चीजें अहम होने वाली है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से और यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से भी हम इस पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्रहेंशन में एक अनसीन पैसेज आएगा 8 मार्क्स के लिए, 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चंस को 2-2 पॉइंट्स रहेंगे, और आपको चारों क्वेश्चंस को आंसर ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। पर अभी आप ग्रेजुएशन लेवल पे आए हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो हाईस्कूल में जो किया, 12th स्टैंडर्ड में आपने जो किया, उससे बेहतर और उसके अलग तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आने वाले लेक्चर्स में हम अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी बात करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीपोजिशंस का। आर्टिकल तो इंग्लिश में ए एंड दी, तीन ही आर्टिकल है, पढ़ना आसान है, ध्यान में रखना भी आसान है, पर प्रीपोजिशन अगर 60-70 से ज्यादा प्रीपोजिशंस इंग्लिश में है, तो इतने सारे प्रीपोजिशंस को ध्यान में रखना और प्रॉपर जगह पर उनका इस्तेमाल करना एक ट्रबलसम, एक कम्बरसम वर्क हो जाता है। हाउ टू लर्न प्रीपोजिशंस प्रॉपरली, हाउ टू यूज देम इन द एग्जामिनेशन इन एप्रोप्रिएट मैनर विल बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रीपोजिशंस फॉर 4 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बट अगेन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस विल बी अ क्रूशियल टॉपिक फॉर यू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ मराठी या हिंदी का पेपर आप लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे, पर बाकी सारे सब्जेक्ट तो आपको इंग्लिश में लिखना है। साइंस वालों को बहुत कम लिखना पड़ता है और ग्रामर से कोई संबंध ही नहीं आता, ये ओपिनियन ठीक नहीं है। बिना ग्रामर की भाषा हो नहीं सकती। आप भले छोटा सेंटेंस लिखे या बड़ा सेंटेंस लिखे, ग्रामर तो होता ही है। इसलिए आप जो भी एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं या लिखने वाले हैं, क्यों ना उसे ग्रामेटिकली भी करेक्ट किया जाए। प्रॉपर टेंसेस को कैसे समझना, टेंसेस किस प्रकार से होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक के बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका आगे जाने वाला नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। समराइजिंग, समरी लिखना, 1/3, प्रेसी राइटिंग, ऐसे अलग अलग नामों से आप जानते हैं, 4 मार्क्स के लिए समरी राइटिंग भी आपको पढ़ना है। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर आपका सिलेबस बनता है। अभी तक हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस किया, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यू के दृष्टि से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को भी समझ लेते हैं। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है आपकी। यूनिट 1 प्रोस के ऊपर हमने बताया था रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, टोटल ऐसे 16 मार्क्स आपके यूनिट 1 पर रहेंगे। यूनिट 2 में वही पैटर्न रहेगा, इट विल बी ऑल्सो फॉर 16 मार्क्स। यूनिट 3 इज टोटली डिवोटेड टू द पोएट्री सेक्शन, 4 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको लिखने हैं, कुल 8 मार्क्स आपके कवर होंगे, और यूनिट 4 में ग्रामर रहेगा, 20 मार्क्स का ये पोर्शन रहेगा, ऐसे कुल मिला के। और इंटरनल असेसमेंट के लिए 2 असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द आइटम्स गिवन इन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। अपनी जो टेक्स्ट बुक है एम्पावरिंग माइंड्स में, जो जो अलग अलग टॉपिक रहेंगे उसी के ऊपर आधारित वो असाइनमेंट्स रहने वाले हैं, आपको कॉलेज में वो सबमिट करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से ये कुल मिलाकर 75 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ पेपर पैटर्न को भी समझ लेते हैं। आप पहली बार इस सिलेबस को फेस करेंगे तो आपको पेपर पैटर्न भी समझना है। क्वेश्चन नंबर 1A रहेगा, उसमें 1 out of 2, 2 में से कोई भी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूनिट 1 के ऊपर है प्रोस, कम से कम 120 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 6 मार्क्स कवर होंगे, एक ही क्वेश्चन आपको लिखना है 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1B रहेगा, 1 out of 2, यहां भी 2 में से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है, ये यूनिट 2 के ऊपर रहेगा,
और प्रोज सेक्शन का है 120 वर्ड्स में आपको लिखना है, 6 मार्क्स इसमें आप कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ भी दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और यूनिट 1 के ऊपर है, प्रोज के ऊपर। इंटरनल चॉइस है, दो में से कोई तो भी एक आपको लिखना है, वहां और में रहेगा। 75 वर्ड्स में लिखना है, 4 4 मार्क्स के दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और 8 पॉइंट्स 8 मार्क्स यहाँ पर कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2B में दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो भी यूनिट 2 के ऊपर रहेंगे, प्रोस के ऊपर। इंटरनल चॉइस से 75 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 4 4 ऐसे 8 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन पोएट्री सेक्शन, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस से अगेन 75 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, 4 4 पॉइंट्स यहाँ भी 8 पॉइंट्स के लिए कवर होंगे। बी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 4 आउट ऑफ 6, 6 में से 4 आपको सॉल्व करना है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऊपर रहेंगे, इंटरनल चॉइस भी रहेगा, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। और जो दो प्रोस के अलग अलग यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, ये दो में से 3 3 अलग क्वेश्चंस रहेंगे, 4 आपको सॉल्व करने हैं। इस प्रकार से यहाँ भी आप 4 मार्क्स कवर करेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना आसान हो जाता है, पर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट होना जरूरी होता है, इसलिए ये सेक्शन भी थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यूनिट 4 कॉम्प्रिहेंशन का है और इसमें एक अनसीन पैसेज है, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स इच रहेगा और 8 मार्क्स आपको इसमें कवर होंगे। प्रीपोजिशन एक नई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाने वाला, एक छोटा पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक्स दिए जाएंगे, वहां पर आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस भरने एक पैसेज में। हर करेक्ट आंसर के लिए 1.1 मार्क्स कवर होगा, ऐसे कुल मिलाकर 4 मार्क्स के लिए कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर 4 मार्क्स टेंस में भी कवर होने वाले हैं। समराइजिंग समरी का एक पैराग्राफ है, समरी करना है आपको और 4 मार्क्स यहाँ भी कवर होंगे। इस प्रकार से ये आपका सिलेबस का पैटर्न कुछ कुल मिलाकर डिसाइड होता है। लेट अस होप दैट दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू एंटर इनटू द सिलेबस। सिलेबस इज अ मिरर ऑफ योर एंटायर टेक्स्ट बुक एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर यू कैन वॉच, यू कैन केयरफुली सी वेरियस इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शंस ऑफ योर करियर। Therefore, it is necessary for you to go through the syllabus, try to understand it and start studying and focus on your syllabus. इस लिहाज से, इस तरीके से अब आप examination को prepare करेंगे। आने वाले अगले lecture में हम direct syllabus को discuss करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। Thank you very much.